वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, दिस इज योर एसएसटी क्लास और हम रीडिंग कर रहे थे यहाँ पर चैप्टर 10 एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में। तो कंटिन्यू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एज पर ब्रिटिश लिटरेचर। तो कंपोनेंट्स मींस क्या होता है? घटक। हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि किसके अनुसार हैं? ब्रिटिश लिटरेचर के। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स का दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग, अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक में हमारे तीन होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं उत्पादक, कंज्यूमर्स होते हैं उपभोक्ता और हमारा थर्ड वन है डिकम्पोजर्स। और जो अबायोटिक कंपोनेंट है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्लाइमेट और दूसरा एंडोफिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एज पर अमेरिकन लिटरेचर। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट किसके अकॉर्डिंग है? अमेरिकन लिटरेचर के। इसने एनवायरनमेंट्स को पांच पार्ट में डिवाइड किया, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, एंथ्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमारा जो पानी से रिलेटेड होता है, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड और एंथ्रोस्फीयर मैन मेड थिंग्स जो कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ों से रिलेटेड होता है, और बायोस्फीयर जिसमें फ्लोरा फौना एंड माइक्रोब्स तीनों चीज़ें आती हैं, वनस्पति, जानवर और सूक्ष्म जीव। तो चैप्टर 10 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। तो नंबर 1 दिया है फिजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, 1 का है डी, ऑल ऑफ दीज। नंबर 2 है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, नंबर 2 का भी है डी। नंबर 3 है कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, नंबर 3 का भी क्या है? डी। नंबर 4 है द डैश इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड एंड इन द ओशियंस। तो इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड एंड इन द ओशियंस। नंबर 4 का है बी, बायोस्फीयर इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड एंड इन द ओशियंस। नंबर 5 है बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो नंबर 5 का है हमारा डी। नेक्स्ट है बी, फ्लिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो वन में आएगा एनवायरनमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, एनवायरनमेंट। नंबर 2 में आएगा द डैश गिव्स एन आइडिया ऑफ लर्न बिहेवियरल ट्रैक्स, ट्रेट्स आएगा इसमें, दोज आर क्लियर एंड शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो नंबर 2 में आएगा कल्चरल एनवायरनमेंट। नंबर 3 है अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। नंबर 4 है द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक। नंबर 5, मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट एज लिक्विड। फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट हमारा सी मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। नाइट्रोजन हमारा होता है 78%, ऑक्सीजन हमारा होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर जो 1% दिया है उसको हम 21% कर देंगे, ऑक्सीजन होता है हमारा 21%, मिस्टेक है 21 बना देना। फिजिकल एनवायरनमेंट को हम मैच करेंगे एटमॉस्फेयर से, बायोलॉजिकल हम मैच करेंगे फॉनल से, एंड कल्चरल को हम मैच करेंगे सोसाइटी से। तो हमारी एक्सरसाइज जो भी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आगे का पार्ट हम जो हमारा बचा हुआ है डी और ई वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर 10 इज़ कम्प्लीट।